Good morning, students. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Aap sabhi ko namaskar. Aap sabhi ko welcome hai is class mein. You all are welcome to this class. Good morning, all of you. Please confirm your audio video is okay. Good morning, all of you. You all are welcome to this class. Good morning, all of you. So quickly confirm kar dijiye, aapka audio video okay hai, your audio video is okay, so that we can start the discussion. And this is a combined class, JAIIB accounts ke liye, CAIIB-ABM ke liye, aur certified credit professionals ke liye. So ye teen exam ko aaj ka class cover karega. So jo students JAIIB accounts ke liye hain, जो स्टूडेंट्स सीआईबी एबीएम पेपर के लिए हैं और जो स्टूडेंट्स सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल के एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो इन सभी के लिए कॉमन क्लास है ये. सो ऑडियो वीडियो इज ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन. आज का जो हमारा क्लास है वो है बैलेंस शीट एनालिसिस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. बैलेंस शीट एनालिसिस, वी ऑल्सो कॉल इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वी ऑल्सो कॉल इट रेशियो एनालिसिस. Financial ratio analysis. So balance sheet analysis या financial statement analysis में जो सबसे पहला point है वो है important financial statements कौन कौन सी हैं. What is included in important financial statements? Important financial statements में क्या क्या include होता है. फ्रेंड, अगर आपके ऑडियो वीडियो में किसी प्रकार का कोई इशू है तो आप अपने इंटरनेट स्पीड को चेक करिए. आप लॉग इन करके द्वारा लॉग इन कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं अपनी स्क्रीन को. हमारे एंड से ऑडियो वीडियो में कोई इशू नहीं है. इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फर्स्ट इज बैलेंस शीट. पहला स्टेटमेंट बैलेंस शीट का है. बैलेंस शीट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. किसी भी बिजनेस में एसेट्स हैं, किसी भी बिजनेस में लायबिलिटीज हैं, उनकी पोजीशन का स्टेटमेंट है. इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड दिस पोजीशन इज दिस सीन एज ऑन ए पर्टिकुलर डे. एक पर्टिकुलर डे को, से 31st मार्च को, से 30th अप्रैल को. सो इट कुड बी एनी पर्टिकुलर डे. सो ये स्टेटमेंट है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की. एंड इट इज टू बी ऑन ए पर्टिकुलर डेट. सो इट कुड बी 9th अप्रैल ऑल्सो, इट कुड बी 31st मार्च ऑल्सो, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर डे. सेकेंड स्टेटमेंट है प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट मीन्स इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर. स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड. तो यहां पे फॉर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना और ऊपर वाली स्टेटमेंट में एज ऑन वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. दीज टू वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट. बैलेंस शीट एज ऑन है, एज ऑन को अंडरलाइन कर लेना. प्रॉफिट लॉस अकाउंट में फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, फॉर वर्ड को अंडरलाइन कर लेना. सो दिस स्टेटमेंट कवर्स ए पर्टिकुलर पीरियड. दिस पर्टिकुलर पीरियड से इट कुड बी 1st अप्रैल टू 31st मार्च. It could be quarter, it could be week, it could be month, it could be year, it could be half year. So, पूरे पीरियड को कवर करेगी. जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उसको हम एक वीडियो की तरह देख सकते हैं और जो बैलेंस शीट है वो एक स्नैपशॉट है एक दिन का. सो स्नैपशॉट किसको रिप्रेजेंट करता है? वन इवेंट को. और वीडियो किसको रिप्रेजेंट करता है? समथिंग विच इज रनिंग. तीसरी स्टेटमेंट दैट लेड्स टू फंड्स फ्लो.
बिजनेस में जो फंड्स फ्लो किए, फंड्स कहाँ से आए, फंड्स कहाँ गए, कैसे उनको यूज किया गया, सो दैट इज अ फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. फंड्स फ्लो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन एसेट लाइबिलिटी पोजिशन. बैलेंस शीट है पोजिशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज की स्टेटमेंट, और फंड्स फ्लो चेंज इन एसेट लाइबिलिटी पोजिशन. एसेट्स की पोजिशन में, लाइबिलिटी की पोजिशन में क्या चेंज आया है? सो ये चेंज का स्टेटमेंट है. चेंज किसमें? चेंज दो अकाउंटिंग पीरियड्स के बीच में, टू अकाउंटिंग पीरियड्स. सो ये दो अकाउंटिंग पीरियड क्वार्टर्स भी हो सकते हैं, हाफ ईयरली भी हो सकते हैं, ईयरली भी हो सकते हैं. टू अकाउंटिंग पीरियड्स. सो व्हाट वर द एसेट लाइबिलिटीज इन 2019, व्हाट आर द एसेट लाइबिलिटीज इन 2020, एंड व्हाट इज द चेंज इन दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. सो दैट स्टेटमेंट इज द स्टेटमेंट कॉल्ड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट. I'm sure we are able to make a distinction between these three statements. Quickly confirm kar dijiye. We are clear about these three statements. Ye tino statements kya represent karti hain? Kya inka meaning hai? We are clear about all these three statements. Dhyan rakhiye, ye session ek sequential state session hai. Means first se lekar ke last tak there is a sequence. अगर हम पहली बात को अंडरस्टैंड करेंगे तो सेकंड हमें अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा. सो क्विकली कंफर्म कर दीजिए दैट एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. सो क्विकली, सो आप नो क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, येस भी लिख सकते हैं, क्लियर भी लिख सकते हैं, और स्माइलिंग फेस का आइकन भी पोस्ट कर सकते हैं. एंड ध्यान रहे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्लास किस किस पर्पज के लिए. ये क्लास जेआईबी अकाउंट्स के लिए है, ये भी सीआईबी एबीएम के लिए है, ये क्लास सीसीपी के लिए, तीनों के लिए ये क्लास है. सो ये वाला टॉपिक तीनों ही पेपर्स में पूछा जाता है. फाइन, सो वी कैन मूव अगेट. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फंड्स फ्लो. कैश फ्लो इज अ सेपरेट, फंड्स फ्लो इज अ सेपरेट. तो यहाँ पे हम फंड्स फ्लो की बात कर रहे हैं. फंड फ्लो इज चेंज इन एसेट लाइबिलिटी पोजीशन बिटवीन टू अकाउंटिंग पीरियड्स. चलिए अब आगे चलते हैं. नाउ जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं तो देर आर थ्री डिफरेंट स्टेजेस. तो अब हम नोट करेंगे डिफरेंट स्टेजेस इन एनालिसिस. तो जो एनालिसिस का पूरा प्रोसेस है, प्रोसीजर है, देर आर थ्री स्टेजेस. और ये थ्री स्टेजेस सीक्वेंस में हैं. सो पहला स्टेज है क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज. एसेट लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन, एसेट लाइबिलिटीज का क्लासिफिकेशन. सो देयर आर सर्टन रूल्स जनरली प्रेस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई के कुछ रूल्स हैं जो प्रेस्क्राइब करता है आरबीआई. तो उनके ऊपर बेस्ड एसेट्स लाइबिलिटीज कैसे क्लासिफाई होंगी. सो फर्स्ट रूल्स अबाउट दिस. सो कई क्वेश्चन हमें क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट लाइबिलिटीज को लेकर के पूछे जाते हैं. येलो फॉन्ट विजिबल नहीं है, ये जानबूझ के रखा गया है येलो फॉन्ट, ताकि आप फोकस करें उसी के ऊपर जो पढ़ाया जा रहा है. सो यहाँ पे जो येलो फॉन्ट है वो विजिबल नहीं है, वो जानबूझ के किया है. दैट इज डन intentionally so that you focus on what is being discussed. और वो पूरे session में ऐसे ही चलता रहेगा. इसीलिए आपको focus किसके ऊपर करना है? Focus करना है आपको जो discuss हो रहा है उसके ऊपर. Second stage है calculation of financial ratios. Financial ratios को calculate करना. So इसके लिए हमें कुछ information चाहिए होती है, और इसके लिए हमें कुछ फार्मूले चाहिए होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दोस फार्मूलास वी आर एबल टू कैलकुलेट द फाइनेंशियल रेशियोज. फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेशन को लेकर के लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो नॉट ओनली क्लासिफिकेशन, क्वेश्चंस आर आस्क्ड आउट ऑफ फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेशन.
थर्ड पार्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज रेशियोज, काफी सारे क्वेश्चन इसको लेके पूछे जाते हैं, हाउ डू वी इंटरप्रेट दीज रेशियोज, इनका मीनिंग हम क्या निकालते हैं, इनकी इंप्लीकेशन क्या क्या होती है. So when we calculate these ratios, ratios are not simply calculated to calculate, these are calculated to interpret them. Unko interpret karne ke liye, unka meaning nikalne ke liye, unki implications understand karne ke liye. So these are three different stages. I'm repeating. One is asset liabilities ka classification. Second, financial ratio ka calculation. Third, इन रेशियोज का इंटरप्रिटेशन. चलिए अब हम शुरू करते हैं इसको, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इनका क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं. सो क्लासिफिकेशन, सो बैलेंस शीट को हम ब्रॉडली दो डिफरेंट पार्ट्स में सेग्रीगेट करते हैं. दो डिफरेंट पार्ट में सेग्रीगेट करते हैं. ऑन वन साइड वी कीप लायबिलिटीज, ऑन वन साइड वी कीप लायबिलिटीज. लायबिलिटीज दे आर सोर्स ऑफ फंड्स, लायबिलिटी से फंड्स का सोर्स जनरेट होता है. किसी भी बिजनेस को जो फंड्स मिलते हैं वो लायबिलिटीज अराइज होंगी तो मिलेंगे, इसलिए लायबिलिटीज फंड्स का सोर्स है. So, जब हम फंड्स फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वही लायबिलिटीज सोर्स बन सकती हैं. लायबिलिटीज में हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप की लायबिलिटीज हैं. वन लायबिलिटी इज कॉल्ड नेटवर्थ और इक्विटी. एक लायबिलिटी है नेटवर्थ और इक्विटी, उसी को हम नेटवर्थ कहते हैं, उसी को हम इक्विटी कहते हैं. सेकेंड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को हम डेट भी कहते हैं, डेट होते हैं लोन्स. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, टर्म लोन्स हो गए. सो इट इज कॉल्ड डेट और इट इज कॉल्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज. तीसरा शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज विच आर नोन एज करंट लायबिलिटीज. So current liabilities are short term liabilities. और जब हम इसको total करेंगे we get total liabilities. तीनों को add करेंगे so we get total liabilities. इनमें क्या क्या important बातें हैं जो हमें ध्यान से note करनी है. Net worth और equity, these are the funds contributed by the owners, business के जो owners हैं, promoters हैं, ये उनका पैसा है जो उन्होंने business में contribute किया. Net worth और equity क्या होता है, किसका पैसा है ये business के अंदर, ये owners का money है, जो business के promoters हैं, जो shareholders हैं, जो partners हैं, जो proprietors हैं, this money belongs to them, this money belongs to them. Now second part, long term liabilities and current liabilities, this is the money which relates to outsiders of the business. Business ke jo outsiders hain unko relate karta hai this money. So long term liabilities and current liabilities, this money does not relate to the promoters, owners ko relate nahi karta, partners ko relate nahi karta, shareholders ko relate nahi karta, ye business ke jo outsiders hain unko relate karta hai. Another important part, long term liabilities or current liabilities, dono mein kya distinction hai, dono mein similarity kya hai, this money belongs to outsiders, what is the distinction point. Long term liabilities means those funds which will remain available for more than 1 year. Unko hum long term liabilities kahenge. Those funds which will remain available to business for more than 1 year. Jaise term loan hota hai, bank agar term loan deta hai to term loan kisi bhi business ko ek saal se zyada period ke liye available rehta hai.
So any money which is available to a business for more than 1 year and it is outsider's money, it is long-term liability or a debt. And what is the current liability? Short-term liability kya hai? Any money contributed by outsiders which is available maximum within 1 year. This is available maximum up to 1 year. Ek saal tak. Ek saal ke andar ya to isko wapis karna padega ya isko rollover karna padega. Jaise hum cash credit limit ko rollover karte hain, renew kar dete hain. So either this has to be repaid back or it has to be rolled over. To isko rollover karna padega, yani dobara se renew karwana padega. तो ये हमारे ब्रॉडली लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट होगी. इसमें फर्क क्या क्या आइटम्स आएंगे ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करने जा रहे हैं. यहां तक मुझे कंफर्म करें दैट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्विकली कंफर्म कर दें दैट एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. आप स्माइलिंग आइकन भी पोस्ट कर सकते हैं, नो क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन भी टाइप कर सकते हैं. सो जिसने अपने किसी क्वेश्चन को टाइप करना है वो साथ साथ टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं उसी क्वेश्चन का आंसर करूंगा जो मुझे लगता है कि वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. मैं कई क्वेश्चंस को इग्नोर करता हूं, कई क्वेश्चंस का आंसर देता हूं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या हो सकती है, नॉट दैट पार्ट. पेपर में क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई विल आंसर द क्वेश्चन. सो आप अपने क्वेश्चन को टाइप करते रहिए, मैं बीच में देखता रहता हूं आपके क्वेश्चंस को, लेकिन मैं आंसर उन्हीं क्वेश्चंस को कर पाऊंगा जो मुझे लगता है कि वो एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. वंडरफुल, सो एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. फ्रेंड्स दूसरी साइड हम लेते हैं एसेट्स को. दूसरी साइड को हम लेते हैं एसेट्स को. एसेट्स को डिस्कस करने से पहले एक बात और जो सीआईबी के स्टूडेंट्स और सीसीपी के स्टूडेंट्स लिखेंगे ध्यान से, जेआईबी के स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, चाहे छोड़ सकते हैं वो. जो सीआईबी के स्टूडेंट्स हैं और जो सीसीपी के स्टूडेंट्स हैं वो इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे और लिखेंगे. क्या लिखना उनको यहां पर, ये जो आपको एसेट लायबिलिटी साइड बाय साइड नजर आ रही है इनको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. सो बहुत दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है. हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट ये हॉरिजॉन्टल है. सो जब हम आमने सामने एक दूसरे के इनको लिख रहे हैं, इधर हमने लायबिलिटीज लिख ली, इधर हमने एसेट्स लिख लिए, तो इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. एक होता है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. वर्टिकल फॉर्मेट में लायबिलिटीज एक तरफ होंगी, एसेट्स उसके नीचे होंगे, या एसेट्स ऊपर होंगे लायबिलिटीज उसके नीचे होंगी, उसको हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. सो दिस क्वेश्चन आल्सो हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज वर्टिकल फॉर्मेट. सो व्हेन एसेट्स लायबिलिटीज आर रिटन वन बिलो द अदर देन दैट इज वर्टिकल फॉर्मेट. When they are written side by side, that is a horizontal format of balance sheet. अब JIIB वाले भी लिखेंगे, JIIB वालों ने क्या लिखना है. तो अब हम आगे assets के ऊपर, पहले हम केवल liabilities के ऊपर थे, अब हम assets के ऊपर भी आ गए. Assets को हम कहते हैं uses of funds. Assets are broadly known as uses of funds. सोर्सेस क्या हैं, लायबिलिटीज. एसेट्स क्या हैं, यूजेस हैं. एसेट्स आर यूजेस. सो जब एसेट्स क्रिएट होते हैं फंड्स आर यूज्ड. अगर फिक्स्ड एसेट क्रिएट होने हैं तो फंड्स आर यूज्ड. वो फंड्स कहां से आते हैं, वो लायबिलिटी से आते हैं. सो एसेट्स में हमारे पास फोर डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हैं. लायबिलिटीज का क्लासिफिकेशन थ्री पार्ट्स में है, एसेट्स का क्लासिफिकेशन फोर पार्ट्स में है. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड एसेट्स.
ये एसेट्स क्या होते हैं आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, अभी केवल आपने नाम लिखने हैं इनको ब्रॉडली। अभी हम बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं एंड वी विल गो डेप्थ आफ्टर सम टाइम। सो फिक्स्ड एसेट्स वन, सेकंड इज नॉन करेंट एसेट्स और मिसलेनियस एसेट्स, दीज आर कॉल्ड नॉन करेंट एसेट्स और मिसलेनियस एसेट्स। थर्ड वन इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स एंड फोर्थ वन इज करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि क्या इन एसेट्स का यही ऑर्डर रखा जाए, शुड दे बी इन द सेम ऑर्डर, नॉट नेसेसरी बट फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस इफ वी मेंटेन दिस ऑर्डर आवर टास्क बिकम्स इजियर। ये जरूरी नहीं कि इनका ऑर्डर ऐसे ही रखा जाए, आप इसमें ऑर्डर कुछ भी रख सकते हैं। कंपनी से एक्ट में जो बैलेंस शीट बनती है वहां पे ऑर्डर इनका फिक्स्ड है, सिमिलरली बैंकिंग की बैलेंस शीट में इनका ऑर्डर फिक्स्ड है, लेकिन जनरली इनका ऑर्डर फिक्स्ड नहीं है। सो दिस ऑर्डर कुड बी एनी, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आवर एनालिसिस, क्योंकि हमने बैलेंस शीट को कंस्ट्रक्ट नहीं करना, हमने बैलेंस शीट का एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस में दिस फॉर्मेट, दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी इफेक्टिव सीक्वेंस। सिमिलरली लाइबिलिटीज में दिस सीक्वेंस इज वेरी वेरी यूजफुल सीक्वेंस, तो हमने एनालिसिस करते समय इसी सीक्वेंस को मेंटेन करना है। चलिए अब हम क्लासिफिकेशन में आगे चलेंगे। सो क्लासिफिकेशन के रूल्स कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ब्रॉडर गाइडलाइंस प्रोवाइड की हुई है कि क्लासिफिकेशन आपने एसेट लाइबिलिटीज का कैसे करना है। तो यहाँ पे हम जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है उनकी क्लासिफिकेशन सीक्वेंस को भी ध्यान में रखते हैं ब्रॉडली, लेकिन स्ट्रिक्टली हम फॉलो करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सीक्वेंस है। तो ये आपका वही सीक्वेंस है जो अभी हम डिस्कस कर चुके थे। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे नेटवर्थ और इक्विटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेटवर्थ और इक्विटी। व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेटवर्थ और इन इक्विटी, जैसा आपको पहले बताया गया इसको हम ओनर्स फंड्स भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स फंड्स, ऑल्सो कॉल्ड ओनर्स फंड्स। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, फर्स्ट आइटम जो इसमें इंक्लूडेड है दैट इज कैपिटल और शेयर कैपिटल, कैपिटल और शेयर कैपिटल। कंपनी के केस में जो हम वर्ड यूज करते हैं वी यूज शेयर कैपिटल, वी यूज शेयर कैपिटल, और पार्टनरशिप के केस में नॉर्मली वी मेक यूज ऑफ द वर्ड कैपिटल और पार्टनर्स कैपिटल, बट दोनों का मीनिंग एक ही है बिकॉज इसमें वो फंड्स आते हैं जो ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी पॉकेट से। सो जो पैसा ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम देयर ओन पॉकेट दैट बिकम्स कैपिटल और शेयर कैपिटल, और जो पैसा बिजनेस अर्न करेगा उसको हम कहते हैं रिजर्व्स। सो दूसरी आइटम है रिजर्व्स। सो रिजर्व्स क्या है, मनी जनरेटेड बाय, मनी अर्नड बाय द बिजनेस। ये प्रमोटर कंट्रीब्यूट नहीं करते, दिस मनी इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रमोटर्स, दिस मनी इज जनरेटेड बाय द बिजनेस। इंपॉर्टेंट रिजर्व्स कौन कौन से हैं, देयर कुड बी मेनी टाइप ऑफ रिजर्व्स बट इंपॉर्टेंट रिजर्व्स कौन कौन से हैं, वन इज जनरल रिजर्व्स, एक है जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स क्या है, लेफ्ट ओवर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट ओनर्स ने निकाला नहीं है।
So whatever profit is generated by the business, some part of that is drawn by the owners and some part is kept in the business. So profit ka wo part jo withdraw nahin kiya gaya, which is kept in the business. So that is called general reserve. So general reserve kisko represent karta hai? Retained profits ko, jo profit business mein retain kar liye gaye, unko represent karta hai ye. Second reserve hai revaluation reserve. Revaluation reserve kisko represent karta hai? Revaluation reserve represent karta hai increase in fixed asset value. Agar hum fixed assets ki value ko increase kar dete hain, land ki value over a time period increase hoti hai. Jab hum books mein uski value ko increase kar dein, so that increase represents revaluation reserve. So agar land 10 lakh ka purchase kiya gaya, 3 saal ke baad uska value 20 lakh hua, jo 10 lakh ka increase hua. So that 10 lakh increase is nothing but it will represent revaluation reserve. So revaluation kisko represent karta hai? Recording of increase in value of fixed assets. Recording of increase in value of fixed assets. Fixed assets ki value mein jo increase hua, usko record karne ke liye. Ek reserve aur hai, jo yahan pe aapki screen ke upar nahi hoga, that is called capital reserve. Third one is capital reserve. Capital reserve kya hota hai? Capital reserve represent karta hai share premium ko. Agar koi company अपने इशू को प्रीमियम के ऊपर बेचती है, तो शेयर प्रीमियम के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल रिजर्व. सो कैपिटल रिजर्व तीसरा है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं है. तो ये तीन तरह के रिजर्व्स हो गए. पहला रिजर्व कौन सा है? जनरल रिजर्व. सेकंड कौन सा है? रिवैल्यूएशन रिजर्व. सो रिवैल्यूएशन रिजर्व किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर बुक्स के अंदर हम फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर दें, जैसे लैंड की वैल्यू हम आफ्टर सम टाइम बुक्स में इंक्रीज कर देते हैं मार्केट वैल्यू के बराबर लाने के लिए. और तीसरा रिजर्व है कैपिटल रिजर्व जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं है. आई एम श्योर एवरीथिंग इज क्लियर सो फार. सो नेटवर्थ को रिलेट करती हुई ये ऑल द आइटम्स आर क्लियर. क्विकली कंफर्म कर दीजिए, बिकॉज अगर एक चीज हमें क्लियर नहीं है तो दूसरी चीज के ऊपर हम अटक जाएंगे. और साथ साथ हम लाइक डिसलाइक के प्रोसेस को भी कंप्लीट कर दें. फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमारे पास क्लास के अंदर मोर देन 2200 स्टूडेंट्स हैं. 2200 स्टूडेंट से ऊपर स्टूडेंट इस समय हमारे पास क्लास में है. तो जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है, वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. रिवैल्यूएशन रिजर्व है शेयर प्रीमियम को रिप्रेजेंट करता हुआ. अगर कोई कंपनी शेयर प्रीमियम के ऊपर बेचती है, तो शेयर प्रीमियम का अमाउंट बन जाएगा रिवैल्यूएशन रिजर्व. फ्रेंड, ये चैप्टर डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट है, इसीलिए आप अपनी किताबों को खोल के देखेंगे. जेआईबी के लिए कोई और चैप्टर होगा, सीआईबी के लिए और चैप्टर होगा, सीसीपी के लिए कोई और चैप्टर होगा. तो ये जो बैलेंस शीट एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, ये चैप्टर किस चीज का है? ये तीनों पेपर्स के लिए अलग अलग चैप्टर. तो आप अपना चैप्टर अपनी बुक्स में देख लेना. कैपिटल रिजर्व है शेयर प्रीमियम का अमाउंट. सो जिन जिनका लाइक डिसलाइक अभी बचा हुआ है, क्विकली कंप्लीट कर देंगे. फ्रेंड, लाइक डिसलाइक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना क्लास को अटेंड करना, बिकॉज YouTube पीपल दे कम टू नो कि ये क्लास यूजफुल है कि नहीं, इस क्लास में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं, उनका प्लेटफॉर्म सही तरह से यूज हो रहा है कि नहीं, वो उनको लाइक डिसलाइक से पता चलता है. और उसके एवज में, उसके बदले में वो हमें कई फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, और उनमें से एक फैसिलिटी है कि मैं ये क्लास आपके साथ लाइव कंडक्ट कर पा रहा हूं. सो दिस इज द फैसिलिटी दे आर प्रोवाइडिंग. इसीलिए लाइक डिसलाइक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने नोट्स बनाना या चैट बॉक्स में कुछ भी आपने कहा. चलिए अब आगे आएंगे नेक्स्ट पार्ट. अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और डेट की. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और डेट क्या होते हैं?
लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और डेट क्या होते हैं, ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं, ये वो मनी है विच इज अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर मोर देन वन ईयर. इट इज अवेलेबल टू द बिजनेस फॉर मोर देन वन ईयर. फॉर मोर देन वन ईयर तो कौन कौन से ये फंड्स हैं? पहला इसके अंदर है टर्म लोन्स. अगर बैंक से हम टर्म लोन देते हैं तो बैंक से लिया हुआ टर्म लोन इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सो टर्म लोन गिवन बाय द बैंक इट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. सेकंड डिबेंचर्स. डिबेंचर्स सो डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर्स आर स्मॉल अमाउंट टर्म लोन्स टाइप. सो ये स्मॉल अमाउंट के टर्म लोन्स हैं जो पब्लिक प्रोवाइड करती है किसी भी बिजनेस को. टर्म लोन्स बैंक प्रोवाइड करते हैं, डिबेंचर्स बैंक भी दे सकते हैं, पब्लिक भी दे सकती है. सो दीज आर स्मॉल अमाउंट लोन्स. Small amount loans which are generally provided by the public. Public जिनको provide करती है, इनका repayment normally एक ही बार में होता है जिसको हम bullet payment कहते हैं. Term loan का repayment EMI या periodically होता है. Debenture का payment एक ही बार में करना होता है on maturity. ये FD की तरह होते हैं. जैसे bank FD लेते हैं वैसे ही कंपनियां debentures लेती हैं. तीसरा अनसिक्योर्ड लोन्स टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. सो बिजनेस करने वाले अपने फ्रेंड्स से अपने रिलेटिव से लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लेते हैं जिसके लिए वो कोई सिक्योरिटी उनको नहीं देते. उनको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म सॉरी अनसिक्योर्ड लोन्स. सो अनसिक्योर्ड लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स. फ्रेंड्स से और रिलेटिव्स से. Now, टर्म लोन इंस्टॉलमेंट को क्या करना है? बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि टर्म लोन में EMI होता है तो उसका इंस्टॉलमेंट है. तो इंस्टॉलमेंट को क्लासिफिकेशन में कैसे ट्रीट करना है? ध्यान से नोट करेंगे कि टर्म लोन का जो इंस्टॉलमेंट है उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. सो वी विल हैव टू पार्ट्स. इसको दो पार्ट्स में सेग्रीगेट कर लेंगे. फर्स्ट पार्ट इफ इंस्टॉलमेंट इज ऑलरेडी ओवरड्यू. If installment is already overdue, अगर installment पहले ही overdue हो चुकी है यानी payable हो चुकी है, it will be treated as a current liability. उसको हम current liability में treat करेंगे. It will be treated as current liability. Second part. If installment is yet to fall due in the next 12 months, if installment not yet due but will be due in the next 12 months, it will continue to be part of long-term liabilities. तो वो long-term liabilities में उसको classify किया जाएगा, यानी वो term loan का part ही बना रहेगा. So, जो ऑलरेडी ड्यू हो चुका है दैट विल बी ट्रीटेड करंट लायबिलिटी. जो अभी ड्यू नहीं हुआ है दैट विल बी ट्रीटेड पार्ट ऑफ टर्म लोन. एज सिंपल एज दैट. सो ये टर्म लोन की इंस्टॉलमेंट का क्लासिफिकेशन होगा. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की. सो नेक्स्ट पार्ट है करंट लायबिलिटीज का. थर्ड पार्ट है करंट लायबिलिटीज का. सो करंट लायबिलिटीज क्या होती है, उनको कैसे ट्रीट करना है. व्हाट इज कॉमन विद रिस्पेक्ट टू करंट लायबिलिटीज? इट इज मनी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स. ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं एनी मनी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स वो है करंट लायबिलिटीज. तो यहां पे पड़ी हमारी करंट लायबिलिटीज. पहले हमने नेटवर्थ को किया, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को किया और उसके बाद हमने करंट लायबिलिटीज को प्रोवाइड किया.
करंट लाइबिलिटीज क्या होती हैं, क्या क्या इंक्लूड होता है इनमें? नंबर वन, ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। सो ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल क्या होते हैं? सो दिस इज द अमाउंट रिप्रेजेंटेड बाय स्टॉक्स गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। जब बिजनेस गुड्स को क्रेडिट के ऊपर परचेज करता है, उधार के ऊपर परचेज करता है, सो टिल दिस अमाउंट इज पेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रेड क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। सो उधार के ऊपर परचेज किया हुआ मटीरियल जिसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया, सो गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट नॉट मेड सो फार, इट बिकम्स ए ट्रेड क्रेडिटर, उसी को हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसी को हम कहते हैं बिल्स पेएबल। फ्रेंड्स, हर चीज को मैं बड़े आराम से बता रहा हूं, बड़े आराम से समझा रहा हूं, सो आपको अपनी स्पीड को थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं हर एक पॉइंट को बड़े आराम से बहुत स्लो स्पीड के साथ समझा रहा हूं, तो देयर इज नो रीजन कि आपको क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़े। तो फोकस रहिए, आप पूरी अटेंशन के साथ हर चीज को सुनिए और साथ साथ लिखिए, सो दैट आप पीछे नहीं रहें। नाउ नेक्स्ट पार्ट, प्रोविजंस। प्रोविजंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटी। सो प्रोविजन किस चीज का हो सकता है? बोनस का प्रोविजन, वेजेस का प्रोविजन, सैलरी का प्रोविजन। सो जब हम कोई पेमेंट नहीं कर पाते तो हम उसके लिए प्रोविजन करते हैं। अभी आप बैंक वालों ने अपनी ब्रांचों के अंदर एक साल क्लोज किया था 31 मार्च, तो आपने कई प्रकार के प्रोविजन किए होंगे, कई प्रकार की पेमेंट्स के लिए प्रोविजन किए होंगे। ऐसे बिजनेस दे मेक द प्रोविजंस, तो बिजनेस भी प्रोविजंस क्रिएट करते हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजन, सो टैक्स का प्रोविजन, रेंट का प्रोविजन, सैलरीज का प्रोविजन, बोनस का प्रोविजन, डिविडेंड का प्रोविजन। देन एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सो समटाइम बिजनेस कस्टमर से एडवांस ले लेता है अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स। सो एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर्स, सो जिन लोगों को गुड्स बेचनी है उन लोगों से जब एडवांस लिया जाएगा तो दैट एडवांस इज ए करंट लाइबिलिटी। सो दिस एडवांस इज टेकन अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स, जो गुड्स सप्लाई करनी है उनके अगेंस्ट एडवांस। फ्रेंड्स, हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स का लाइक डिसलाइक बचा हुआ है वो कोई के लिए कंप्लीट कर देंगे। ऑलरेडी हमारे पास मोर देन 2300 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे कई स्टूडेंट्स का भी लाइक डिसलाइक बचा हुआ है। अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो मुझे क्लास को पॉज करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। रोकने का मतलब है कि हम क्लास के टाइम को वेस्ट कर रहे होंगे, एंड दैट इज समथिंग एक्चुअली आई डू नॉट वॉन्ट। सो हमारे जिन जिन स्टूडेंट्स का अभी लाइक डिसलाइक बचा हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। सो एडवांस फ्रॉम कस्टमर। देन नेक्स्ट आइटम हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मींस ऐसे खर्चे जो हमने करने थे लेकिन नहीं कर पाए, तो वो बन जाते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे आर ऑल्सो करंट लाइबिलिटीज। हमें बिजली का बिल देना था, बिजली का बिल नहीं पे किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। हमने सैलरीज पे करनी थी, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन दोज एक्सपेंसेस विच हैव नॉट बीन पेड ऑल्दो दे वर ड्यू फॉर पेमेंट। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन बैंक लिमिट्स। बैंक जो लिमिट्स सैंक्शन करता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन बैंक लिमिट्स। बैंक कैश क्रेडिट लिमिट सैंक्शन करता है, बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट सैंक्शन करता है। सो आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन दोज अकाउंट्स इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन दीज लिमिट्स इज ऑल्सो करंट लाइबिलिटी। So
टर्म लोन का जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको कहाँ पे लेंगे? टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको कहाँ पे लिया जाएगा? नेटवर्थ में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में या करंट लाइबिलिटीज में? क्वेश्चन फॉर यू, टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वेयर इट विल बी टेकन? टर्म लोन आउटस्टैंडिंग बैलेंस वेयर इट विल बी टेकन? फ्रेंड्स, वी हैव मोर देन 2300 स्टूडेंट्स इन द क्लास, लेकिन लाइक डिसलाइक अभी केवल 1600 स्टूडेंट्स ने किया है. सो बाकी रहते हुए स्टूडेंट्स भी अपना लाइक डिसलाइक कंप्लीट कर देंगे. 1600 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी लाइक डिसलाइक कर दिया है. सो रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे. एंड मीनवाइल देयर इज अ क्वेश्चन, टर्म लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस वेयर इट विल बी टेकन? यस, वेरी राइट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में उसको लिया जाएगा. वेरी करेक्ट, इट विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, उसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का पार्ट लिया जाएगा. नाउ अब हम बात करेंगे फिक्स्ड एसेट्स का क्लासिफिकेशन. फिक्स्ड एसेट्स हम किनको कहते हैं? ऐसे एसेट्स जिनको रिपीटेडली यूज किया जाए. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर यूज्ड रिपीटेडली, जिनको रिपीटेडली यूज किया जाता है. विच आर यूज्ड रिपीटेडली, मशीनरी क्या है? व्हाट इज मशीनरी? फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है? मशीनरी, मशीनरी फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है? मशीनरी. सो मशीनरी फिक्स्ड एसेट है कि करंट एसेट है? फ्रेंड्स क्विकली कंप्लीट कर दीजिए जिनका लाइक डिसलाइक बचा हुआ है. सो मशीनरी को यूज कैसे किया जाएगा? इट वुड डिपेंड अपॉन दैट. सो क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी? उसको यूज कैसे किया जाएगा? नाउ मशीनरी कैन बी फिक्स्ड एसेट ऑल्सो, मशीनरी कैन बी करंट एसेट ऑल्सो. इसलिए इतना जल्दी मत भागिए, पहले पूरी बात को अंडरस्टैंड करिए. पेपर में जाके हम इसी प्रकार की मिस्टेक्स करते हैं. सो यूज ऑफ द एसेट विल डिटरमिन वेदर दैट इज फिक्स्ड एसेट और नॉट. उस एसेट को यूज कैसे किया जाएगा वो डिटरमिन करेगा कि उसको फिक्स्ड एसेट में लेंगे या फिक्स्ड एसेट में क्लासीफाई नहीं करेंगे. इफ मशीनरी इज रिपीटेडली यूज इन द बिजनेस, इट इज अ करंट, इट इज फिक्स्ड एसेट. इफ मशीनरी इज जस्ट परचेज्ड एंड सोल्ड, इट बिकम्स अ करंट एसेट. इट मीन्स किसी भी एसेट का नाम दैट डज नॉट डिटरमिन कि वो फिक्स्ड एसेट है कि नहीं, उसको यूज कैसे किया जाएगा दैट वुड डिटरमिन. लेकिन बाय डिफॉल्ट कुछ एसेट्स को हम अज्यूम करते हैं फिक्स्ड एसेट्स. वो एसेट्स कौन कौन से हैं? सो नोट करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग इट इज अज्यूम्ड टू बी फिक्स्ड एसेट अनलेस स्टेटेड अदरवाइज. लैंड बिल्डिंग को हम फिक्स्ड एसेट ट्रीट करते हैं अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. प्लांट मशीनरी दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड फिक्स्ड एसेट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड. अगर प्लांट मशीनरी के साथ लिख दिया जाए कि ये तो सेल करने के लिए परचेज किया गया है तो फिर ये फिक्स्ड एसेट नहीं रहेगा, इट विल बिकम करंट एसेट. बिकॉज फिक्स्ड एसेट का जो क्लासिफिकेशन है वो एसेट को यूज कैसे किया जाएगा, हाउ द एसेट विल बी यूज्ड. थर्ड, इक्विपमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट अनलेस अदरवाइज टोल्ड. इक्विपमेंट इज ऑल्सो फिक्स्ड एसेट. व्हीकल्स दे आर ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स. व्हीकल्स आर ऑल्सो फिक्स्ड एसेट्स. व्हीकल्स भी फिक्स्ड एसेट्स हैं. फिक्स्चर फर्नीचर, सो ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, दूसरा फर्नीचर है, सो दैट ऑल्सो इज
fixed asset, that also is fixed assets. So fixed assets mein kya kya aayega by default? Land building aa jayega, plant machinery aa jayega, equipment aa jayega, vehicles aa jayenge, fixture furniture aa jayenge. So iske alawa aur bhi ho sakte hain. Aur fixed asset ka humne kisko classify karna hai? Wo asset jinko repeatedly use kiya jayega. To use of that asset would determine whether that is fixed asset or not. Next, ab hum baat karenge non current assets ki. What is non current asset? These assets, they appear like current assets, but they do not become cash in a period of 1 year. So ye wo assets hain jo current asset jaise nazar aate hain. Current asset ka feature hote hai ki wo ek saal mein cash mein convert hote rehte hain assets. Aur agar wo asset ek saal mein convert nahi hote into cash, then they are not current asset, they become non-current assets. So jo within 1 year convert ho jate hain into current assets, into cash, they are current assets. Which do not get converted, they are non-current assets. Ab non-current asset mein kya kya aayega? Number one, long-term security deposits. Long-term security deposits. So these are non-current assets. So we have to do business, we need electricity. To get electricity, we have to deposit security. So that is security deposit for electricity. That is non-current asset. So security deposit for electricity connection is a non-current asset. Second, investment done by the firms. Agar firms investment karti hain dusri firms ke andar, firm A firm B mein paisa invest karti hai. Company A company B ke share mein paisa invest karti hai. So that investment by one company in another company, by one firm in another firm, that also is non-current asset. That also is non-current asset. Similarly, trade debtors not recovered within 6 months. Trade debtors kya hote hain? Credit sales. Agar credit sales ko within 6 months recover nahi kiya jata, so trade debtors kisko represent karte hain? Credit sales ko. Trade creditors kisko represent karte hain? Credit purchases ko. So trade debtors not recovered for 6 months. Jaise hum loan mein recovery 3 months ke liye nahi kar pate, to wo performing na hoke NPA ban jata hai. Similarly, business firm ke cases mein, agar credit sales wo 6 months mein recover nahi kar pate, to then it becomes non-current asset. It becomes non-current assets. Friends, ab main class ko kuch der ke liye rok raha hun. हमारे वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया, वी हैव मोर देन 2400 स्टूडेंट्स, लेकिन लाइक डिसलाइक जो डिसलाइक है वो अभी 1700 स्टूडेंट्स ने किया है. सो क्विकली कर दीजिए जिनका लाइक डिसलाइक रहता है, अभी मैं क्लास को रोक रहा हूँ. और ध्यान रहिए कि जितनी देर के लिए क्लास रुकेगी वो हमारे टाइम का वेस्टेज है. हम उस टाइम में कुछ और बेटर कर सकते थे, बट देन मैंने बार बार आपको कहा है कि आप लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं कर रहे, तो अब मुझे क्लास को रोकना पड़ रहा है. सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू कंप्लीट द लाइक डिसलाइक. सो आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू टाइम. मुझे कुछ ना कुछ लेक्चर में छोड़ना पड़ेगा नेचुरली. मुझे जो करवाना होता है वो मैं पहले से डिटरमिन करके आता हूँ कि आज मुझे ये कंप्लीट करवाना है, लेकिन अगर आप मुझे कोऑपरेट नहीं करेंगे तो नेचुरली मुझे उसका कुछ ना कुछ पार्ट छोड़ना पड़ेगा, या मैं उसको बहुत फास्ट कर दूंगा.
तो फास्ट करूंगा तो भी आप उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, और अगर मैं उसको छोड़ देता हूं तो तब भी अल्टीमेटली वो आपका रह जाएगा। सो अगर आप एक घंटा क्लास को ज्वाइन करते हो और आपको लाइक करने में भी कोई हेजिटेशन है, तो मुझे पता नहीं कि आपको क्या हेजिटेशन है लाइक डिसलाइक करने में। अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है और एक घंटा आप मेरे साथ पूरा गुजारते हो लेकिन लाइक डिसलाइक करने में आपको परेशानी होती है, तो जिन जिन का भी रहता है क्विकली कंप्लीट कर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। सो ट्रेड डेटर्स होते हैं क्रेडिट सेल्स का अमाउंट, क्रेडिट सेल्स के अमाउंट को हम कहते हैं ट्रेड डेटर्स। ईबीएम का टाइम क्या है? 6:30 to 7:30। इस क्लास का टाइम 6:30 to 7:30 है। इट्स अ कॉमन क्लास। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दो स्टूडेंट जिनका लाइक डिसलाइक रहता है। सो ये हमारे हो गए नॉन करेंट एसेट्स। अब हम बात करेंगे इनटेंजिबल एसेट्स की। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स हैं? दोज एसेट्स जो फ्यूचर में राइट ऑफ कर दिए जाएंगे, जिनको बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाएगा इन फ्यूचर। वेन एवर देर इज प्रॉफिट, एडिक्वेट प्रॉफिट, सो दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट। सो फॉर सम टेक्निकल रीजंस उनको बैलेंस शीट में रखा गया है, आफ्टर सम टाइम आफ्टर फ्यू ईयर्स दे विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट, तो वो है इनटेंजिबल एसेट्स। सो इनटेंजिबल एसेट्स वी कॉल देम। इनटेंजिबल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आते हैं? नंबर वन गुडविल। गुडविल होता है रेपुटेशन का वैल्यू। हर एक बिजनेस का एक रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के वैल्यू को हम कहते हैं गुडविल। रेपुटेशन की वैल्यू को हम कहते हैं गुडविल। देन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं लार्ज साइज एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस बड़े बड़े अमाउंट के होते हैं जिनका बेनिफिट कई सालों तक मिलना होता है, तो वो होते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। जैसे एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, सो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग का एक्सपेंडिचर, दे आर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। नॉर्मली दे आर लार्ज साइज एक्सपेंसेस और इनका बेनिफिट ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स अवेलेबल होगा। तो दो फीचर्स हैं इनके, साइज इज लार्ज, बेनिफिट अवेलेबल ओवर नंबर ऑफ ईयर्स। एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस। देन प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। सो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच वर इनकर्ड बिफोर बिजनेस वॉज स्टार्टेड। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले के एक्सपेंसेस हैं। उस समय बिजनेस के पास कोई इनकम नहीं होती लेकिन एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। सो जैसे ही फ्यूचर में प्रॉफिट होता है तो उन एक्सपेंसेस को प्रॉफिट से राइट ऑफ कर दिया जाएगा, बैलेंस शीट से रिमूव कर दिया जाएगा उनको। सो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंसेस बिफोर बिजनेस वॉज स्टार्टेड। देन ट्रेडमार्क्स एंड पेटेंट्स। सो ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, लाइसेंसेस एटसेट्रा। सो ये वो एसेट्स हैं सारे जिनका कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं होता, इनटेंजिबल फॉर्म में है लेकिन है वो एसेट्स। सो ट्रेडमार्क्स और पेटेंट्स। लास्ट अकमुलेटेड लॉसेस। एक साल के लॉस को हम लॉस कहते हैं, जब दो साल का तीन साल का लॉस इकट्ठा हो जाता है तो हम उसको अकमुलेटेड लॉसेस कह देते हैं। सो वन ईयर लॉस इज सिंपली कॉल्ड लॉस,
loss for more than 1 year, we call it accumulated loss. अगर कोई business एक से ज्यादा सालों के लिए loss incur करता है तो वो loss इकट्ठा होता रहता है, add होता रहता है, तो वो कहलवाता है accumulated loss. Accumulated loss. Accumulated loss. तो ये बन गए हमारे intangible assets. Last हमारे पास है current assets. Current assets. Current assets क्या है? Current assets are those assets which keep on rotating. जो rotate करते रहते हैं, जो अपने आप को कन्वर्ट करते रहते हैं कैश में. कभी वो कैश बन जाते हैं, कभी वो रॉ मटेरियल बन जाता है, कभी वो फिनिश गुड्स बन जाती हैं. तो ऐसे एसेट्स विच बिकम कैश इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर विच कीप ऑन रोटेटिंग, तो उनको हम कहते हैं करंट एसेट्स. दे आर कॉल्ड करंट एसेट्स. सो करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? नंबर वन, कैश, बैंक बैलेंस, बैंक एफडीआर ऑफ एनी मैच्योरिटी. सो कैश, बैंक बैलेंस, एफडीआर ऑफ एनी मैच्योरिटी, ये करंट एसेट्स ट्रीट किए जाएंगे. दिस विल बी ट्रीटेड करंट एसेट्स. इनको करंट एसेट्स ट्रीट किया जाएगा. एफडी खास तौर के ऊपर स्पेसिफिकली, if it is for 6 months it is a current asset, if it is for 4 years still it is treated current asset. Number 2, stocks, raw material stocks, in process stocks, finished goods stocks, so they are also current assets. They are also treated as current assets. Friends, why they are treated like that? तो वाई के ऊपर अगर हम जाएंगे तो मैं 10 मिनट उसके ऊपर स्पेंड कर दूंगा वाई, बट पेपर के लिए उसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वाई वाले पार्ट को छोड़ करके, क्योंकि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखे जा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि वाई पार्ट बताया जाए. सो वाई पार्ट बताने की जरूरत नहीं, आपको इनको क्रैम करना है, आपने इनको रट्टा मारना है. अगर आपने इनको टिक कर दिया पेपर में सही तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, वाई पार्ट आपको पेपर में काम नहीं आने वाला. और जहां वाई पार्ट पेपर में काम का होगा वो मैं अपने आप आपको बताऊंगा. So stocks like raw material stock, process ke stocks, finished goods ke stock, so they are also part of current assets. Then trade debtors, book debts and receivables, they are also current assets. Trade debtors, book debts, receivables, ye kya hote hain? Trade debtors, book debts, receivables. So, ये रिप्रेजेंट करते हैं क्रेडिट सेल्स को. सो दे रिप्रेजेंट क्रेडिट सेल्स, ये क्रेडिट सेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो क्रेडिट परचेज के केस में आते हैं ट्रेड क्रेडिटर्स, और क्रेडिट सेल के केस में आते हैं ट्रेड डेटर्स. क्रेडिट परचेज के केस में आते हैं पे एबल्स, और क्रेडिट सेल के केस में आते हैं रिसीवेबल्स. सो वही होते हैं बुक डेट्स. देन prepaid expenses and advance tax. Prepaid expenses, ऐसे expenses जो भी due नहीं थे but they have been incurred, तो वो है prepaid. जैसे insurance का expenditure, insurance premium we pay in advance. Insurance premium is paid in advance. Insurance premium को हम advance में pay करते हैं, इसीलिए वो करंट एसेट है. सिमिलरली टैक्स हम एडवांस में पे करते हैं, सो एडवांस टैक्स. देन एडवांसेस मेड टू सप्लायर्स, जिन लोगों ने हमें रॉ मटेरियल देना है अगर उनको हम एडवांस देते हैं तो दैट इज करंट एसेट. जिन लोगों से हमने रॉ मटेरियल लेना है, इफ वी पे एडवांस टू देम, सो दैट एडवांस इज ऑल्सो करंट एसेट. करंट एसेट का बेसिक फीचर क्या है? कि उसको एक साल के अंदर अंदर एटलीस्ट वंस कैश बन जाना है, वो रोटेट करता रहता है. सो ट्रेड डेटर्स रिसीवेबल एक ही बात है,
पे डेटर्स हो, रिसीवेबल्स हो, बुक डेट्स हो, सो सारे के सारे एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रेंड्स, लाइबिलिटीज के अंदर एक लाइबिलिटी और है जो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती. सो लाइबिलिटी, अभी तक मैंने तीन लाइबिलिटीज आपको बताई, नेटवर्थ बताया, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बताई, करंट लाइबिलिटी बताई. एक लाइबिलिटी और है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी, वो बैलेंस शीट के नीचे लिखी जाएगी, इसीलिए उसको हम कहते हैं शोन एज फुटनोट्स, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, उसको हम कहते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी. सो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज हैं, ऐसी ट्रांजेक्शंस हैं जो अभी लाइबिलिटी नहीं है लेकिन फ्यूचर में लाइबिलिटी बन सकती हैं. सो पहले हम नोट करेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है. सच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस विच मे और मे नॉट बिकम लाइबिलिटी इन फ्यूचर. सच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सच फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे और मे नॉट बिकम लाइबिलिटी इन फ्यूचर, विच मे और मे नॉट बिकम लाइबिलिटी इन फ्यूचर, वो बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते. जैसे गारंटी गिवन बाय वन फर्म टू अनदर फर्म, अगर एक फर्म दूसरी फर्म के लोन की गारंटी देती है तो वो गारंटी देने वाली फर्म के लिए लाइबिलिटी बन भी सकती है नहीं भी बन सकती. सो गारंटी गिवन फॉर लोन ऑफ अनदर फर्म, सो कंपनी ए कंपनी बी के लोन के लिए अगर गारंटी देती है और कंपनी बी ने अगर लोन रिपे नहीं किया तो कंपनी ए को पे करना पड़ेगा, तो उसकी लायबिलिटी बन जाएगी. सो दैट इज कॉल्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी. सिमिलरली सूट फाइल्ड अगेंस्ट द फर्म एंड पेंडिंग इन ए कोर्ट, अगर किसी फर्म के अगेंस्ट सूट फाइल करती है कोई दूसरी फर्म और सूट पेंडिंग पड़ा है तो दैट ऑल्सो इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, दैट ऑल्सो इज ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, वो भी कंटिंजेंट लायबिलिटी है. सो लेटर ऑफ क्रेडिट फॉर ए बैंक इज ऑल्सो ए कंटिंजेंट लायबिलिटी, बैंक के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, लेकिन क्योंकि हम यहां बैलेंस शीट बैंक की नहीं देख रहे, हम बैलेंस शीट बिजनेस फर्म की देख रहे हैं. सो ये हो गए हमारी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज. तो यहाँ पे एक पॉइंट अराइज हुआ था डेटर्स का. सो ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डेटर्स के साथ अगर कुछ नहीं कहा जाए तो उसको करंट एसेट में लेना होगा, लेकिन अगर ट्रेड डेटर्स में उसका एज लिख दिया जाए आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ्स तो वो उसको हमने नॉन करंट एसेट्स में लेना होगा. सो मैं और क्वेश्चन देख लेता हूं. बुक डेट क्या होते हैं? सो बुक डेट ट्रेड डेटर्स की तरह ही होते हैं, सन्ड्री डेटर्स की ही तरह होते हैं. सो ट्रेड डेटर्स को नॉन करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते, ट्रेड डेटर्स तो एसेट होते हैं, वो लायबिलिटी कहां बना? सो ट्रेड डेटर्स अगर 6 महीने से पुराने हैं तो वो नॉन करंट एसेट्स हैं, और ट्रेड डेटर्स अगर कुछ नहीं लिखा तो वो करंट एसेट्स हैं. अकुमुलेटेड लॉस होता है लॉस फॉर मोर देन 1 ईयर, जब हम एक से ज्यादा सालों के लॉस को कंबाइन कर देते हैं तो दैट बिकम्स अकमुलेटेड लॉस, और अकमुलेटेड लॉस को हमने एसेट के तौर पे ऊपर लेना है इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर. फ्रेंड्स, ये आइटम्स का आप क्विकली इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्विकली ले लीजिए स्नैपशॉट इसका, और मुझे कन्फर्म कर दीजिए कि आपने स्नैपशॉट ले लिया. इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और कंफर्म कर दीजिए कि आपने स्नैपशॉट ले लिया. फ्रेंड्स, कल को भी हमारी क्लास 6:30 के ऊपर होगी, लेकिन सैटरडे देर इज नो क्लास, संडे ऑल्सो देर इज नो क्लास. सैटरडे एंड संडे देर विल नॉट बी एनी क्लास. सो हमारी नॉर्मल क्लास नहीं होगी संडे सैटरडे को,
लेकिन संडे को एक हमारी स्पेशल क्लास है, अभी वेट करिए वो किस चीज का क्लास होगा वो मैं बता देता हूँ। और एक स्नैपशॉट आप इसका ले लीजिए, दूसरा स्नैपशॉट इसका ले लीजिए, एक से के लेके नौ तक एक स्नैपशॉट था और ये दूसरा स्नैपशॉट है, आप ले लीजिए इसको। तो ये दूसरा स्नैपशॉट है, इसका क्या करना है अभी मैं आपको बताता हूं, मुझे कंफर्म कर दीजिए। से सेकंड आल्सो टेकन, लिख देना सेकंड स्नैपशॉट आल्सो टेकन, ताकि मुझे पता चल जाए सभी का सेकंड भी हो गया। दो स्नैपशॉट हैं, लिख दीजिए बोथ टेकन, बोथ स्नैपशॉट्स टेकन लिख दीजिए क्विकली, सो दैट मैं आपको बताऊंगा कि इनका क्या करना है। क्विकली कन्फर्म कर दीजिए कि दोनों के स्नैपशॉट आपने ले लिए। फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने इनका क्लासिफिकेशन करना है। सो हर एसेट लायबिलिटी के सामने, ये कुछ एसेट्स हैं कुछ लायबिलिटीज हैं जिनको जम्बल कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया है। आपने क्या करना है, इनके सामने एसेट लायबिलिटी भी लिखना है और कौन सा एसेट है कौन सी लायबिलिटी है वो क्लासिफिकेशन करना है। तो उनके रूल्स अभी हमने डिस्कस किए थे, उन रूल्स के ऊपर बेस्ड आपने इनका क्लासिफिकेशन करना है। सो ये आपका होमवर्क रहेगा, अगर आप इसको कर लेंगे तो इसका क्लास का आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, और अगर आपको नहीं करना है इनको तो दैट इज योर स्वीट विल। लेकिन मैं ये अज्यूम करके चलूंगा आगे क्लास कि आपने इसको कर लिया है और आपकी इसको अच्छे से फॉलो कर चुके हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं आगे क्लास को कंडक्ट करूंगा कल को। इसीलिए जो लोग इसको कर लेंगे उनको आगे बड़ी आसानी से हर चीज समझ में आएगी, और जो लोग इसको नहीं करेंगे टेक इट, शायद उनको आगे जाके डिफिकल्टी आएंगी। फ्रेंड्स संडे और सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन जेआईबी प्रिंसिपल वालों के लिए जो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स को, लीगल का कोर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो प्रिंसिपल का कोर्स भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, सो प्रिंसिपल वालों के लिए और लीगल वालों के लिए भी ये क्लास काम की हो सकती है। ये एक स्पेशल क्लास है जो हम संडे को कंडक्ट करने जा रहे हैं 7:30 के ऊपर। तो आप में से जो स्टूडेंट्स लीगल के हैं या प्रिंसिपल के हैं तो वो इस संडे वाली क्लास को अगर अटेंड करेंगे तो ये बहुत यूजफुल क्लास है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए इस क्लास में सीआईबी वालों का या सीसीपी वालों का कोई रोल नहीं है, सीसीपी की क्लास और एबीएम की क्लास कल रहेगी फ्राइडे को, और उसके बाद मंडे को क्लास करेंगे सीसीपी और एबीएम के लिए। सो जेआईबी अकाउंट्स की क्लास भी कल रहेगी, अगली क्लास हम मंडे को जाकर करेंगे। जो सैटरडे है कोई क्लास नहीं होगी, लेकिन संडे को हम क्लास करेंगे पीपीबी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे साथ प्रिंसिपल की क्लास नहीं की होगी, प्रिंसिपल की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, इसी प्रकार से लीगल की क्लास में हमने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। सो इनमें हमने आपको काफी सारी गाइडेंस प्रोवाइड की थी, आपके काम को आसान कर दिया गया था। अगर आपने इन क्लासेस को मिस किया, इसके अलावा लीगल के और प्रिंसिपल के काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप अपनी बुक से देखेंगे कौन कौन से रह गए हैं छूट गए हैं जो हमने क्लास के अंदर नहीं किए, वो उनको आप उनको जरूर करिएगा, क्योंकि पेपर का कुछ नहीं पता वो कहां से पूछेगा। तो इसीलिए जितने भी लेफ्ट ओवर टॉपिक्स हैं वो आपने जरूर करने हैं। अगर लेफ्ट ओवर टॉपिक्स आप हमारी गाइडेंस में करना चाहते हैं तो हमारे पास पूरे कोर्स को कवर करती हुए रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स होते हैं, तो आप उनको एनरोल कर सकते हैं। और एनरोलमेंट में अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो इमीडिएटली इस सेशन के बाद आप हमें यहाँ पे ईमेल कर दीजिए, ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप हमें यहाँ पे ईमेल कर दीजिए और साथ में अपना सेल नंबर जरूर दें। कल देखा गया हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने ईमेल तो किया लेकिन सेल नंबर नहीं दिया, एंड अगेन वी हैड टू राइट देम बैक कि आप इस नंबर को कॉल करें। तो अगर आप हमें ईमेल में अपना सेल नंबर दे देंगे तो हम आपको ड्यूरिंग डे टाइम कॉल कर पाएंगे। सो वेल फ्रेंड्स हम कल इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे एट 6:30। होमवर्क जरूर करके आइएगा, इट विल टेक अबाउट 15 to 20 minutes फॉर यू टू कंप्लीट द होमवर्क, लेकिन उसका काफी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। सो कल मॉर्निंग मिलेंगे एट 6:30।
अब मैं इस ब्रॉडकास्ट को टर्मिनेट कर रहा हूं. सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू.